खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी लोगों से पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन की एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्र से एक साथ 8 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। उपखंड मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने यह बताया कि बसंत गांव से 2, पालड़ी जोड़ से 1, पावा से 1, पारखिया गांव से 2 और भारुंदा से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 6 साल का बच्चा भी शामिल है। अब सुमेरपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। चिकित्सा विभाग ने सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर में रखा है। वहीं इनकी टेबल हिस्ट्री के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं तहसीलदार जवाहरलाल चौधरी, बीपीएम प्रमोद गिरी और सरपंच हिमताराम मीणा समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने संक्रमित क्षेत्र का दौरा किया। कोरोना के पॉजिटिव एक निश्चित अंतराल में विभिन्न गांवों में आ रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा नियमित रूप से सभी गांवों में स्क्रीनिंग की जा रही है और जहां भी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेवल हिस्ट्री लेते हुए और उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने में